दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 20 साल का था तभी से मैं अपने मामा का ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो मैं डरावनी घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं 30 साल का था। मुझे आज लगभग ट्रक चलाते हुए 15 साल हो चुके हैं। लेकिन उस घटना के बाद मैंने मेरे जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसीलिए मुझे लॉकडाउन में गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया और मुझे ये सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 5 बजे तक थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैं अपने ट्रक को अपने मंजिल की तरफ लेकर चल पड़ा। मुझे ये सामान कल शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जितना सांस लेना जरूरी होता है तो लॉकडाउन पर भी मास्क लगाना उतना ही जरूरी था, क्योंकि गलती से अगर पुलिस वालों ने मुझे बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में जरा भी देरी नहीं लगाएंगे। यही सोचकर जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया था तो उसी वक्त मैंने मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा हो गया था और सड़क पर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तभी मेरे दिमाग में आया कि किसी तरह मैं कल शाम से पहले यानी जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने के लिए वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर फिर मैंने एक फैसला किया कि रास्ते में अगर मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद ना जाने क्यों लेकिन मुझे नींद की झपकियां आने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में कहीं रुककर हाथ पैर मुंह धो लिया जाए और थोड़ी चाय हो जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं ट्रक चलाते हुए मैं हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का टाइम और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहां पर मैं बैठकर चाय पी सकूं। फिर मैं अपने आप से मन में ही कहा कि तू भी यार राजेश कितना भोला है, तुझे लॉकडाउन के टाइम पर यहां कौन सी चाय मिलेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे कुछ दूर हाईवे पर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो एक चाय की टपरी है और उसी पर एक बुजुर्ग दुकानदार वाला बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और असहाय दुकान को टपरी कहा जाता है। तभी मैं उस टपरी के पास जाकर अपना ट्रक को रोका और ट्रक में ही बैठे बैठे उसी से मैंने पूछा कि चाय मिलेगी क्या, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी पर मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी इसीलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया। फिर मैंने उस अंकल को चाय बनाने के लिए कहा और इतना कहकर मैं अपने ट्रक के पास पानी की बोतल निकालने चला गया और मैं अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। और थोड़ी देर बाद उस चाय वाले ने मुझे चाय लाकर दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा साहब ये चाय भैंस के दूध की नहीं है, वो क्या है क्योंकि लॉकडाउन पर सारी दूध की दुकानें तो बंद है और मेरे घर पर कुछ बकरियां हैं तो मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर ही यहाँ दुकान पर लाता हूँ और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी आपने बकरी की दूध की चाय कभी पी नहीं होगी इसीलिए आपको इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछा कि लॉकडाउन के टाइम पर तुमने ये दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या। इसी पर उस आदमी ने मुझसे अजीब सी मुस्कुराहट से कहा पुलिस तो क्या, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी और वो मुस्कुराने के साथ साथ मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। और तभी मैं उसको नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि थोड़ा बुड्ढा सटिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था तो अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मेरा ट्रक तो अभी नया नया ही था और वो कभी भी अपने आप ऐसे बंद नहीं होता था जब तक मैं उसको चाबी से बंद ना कर दूं। तभी मुझे लगा कि ट्रक सर्विस पर आ गया है
इसीलिए वो बंद हो गया है। खैर, मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय थोड़ी ज्यादा ही अजीब लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपने जीवन में बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, तो कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसे कि आज इस बुड्ढे की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नजर इस बुड्ढे की टपरी के बगल से जाते हुए रास्ते पर पड़ी। मुझे लगा कि शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता है, और तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से वही अजीब से मुस्कुराहट के साथ, जहाँ जाना चाहते हो ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। तो मैंने फिर उस आदमी से कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहाँ जाना है ये रास्ता मुझे वहाँ पहुँचा देगा। ये सुनकर वो आदमी फिर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नीचे अपना सिर किए हुए बैठा रहा। फिर तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो उस आदमी ने अपना नीचे मुंह किए हुए ही बोला, 150 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वो आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। तो जब मैंने उस आदमी की तरफ गौर से देखा तो उसका एक हाथ काफी ज्यादा तेज कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो इस बात पर मुझे वो आदमी ने बहुत अजीब तरीके से घूरते हुए देखा और बोला कि तुम्हारा काम अब हो चुका है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। मुझे भी अब उससे ज्यादा कुछ मतलब तो नहीं था, इसीलिए मैं जाकर अपने ट्रक पे बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। मुझे तो पहले से ही वो बुड्ढे पे बहुत ज्यादा शक था, सटियाया हुआ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान उसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था, और मेरा मन उसी शॉर्टकट रास्ते से चलने को कह रहा था। और हुआ भी अंत में यही, मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा टाइम, तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी को तो चाय के पैसे दिए ही नहीं, और मैं उस जगह से काफी ज्यादा आगे भी आ चुका था, इसलिए मैंने वापस जाना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे ज्यादा अजीब बात तो ये लगी कि उस आदमी ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, मैं भी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे उस रास्ते पे सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था, तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के जो अगल बगल के पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। तभी मैंने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले जिस हाईवे पर हरियाली थी उसी की इतनी थोड़ी सी दूरी पर ये सूखा कैसे हो सकता है। पर मुझे तो जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की, उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे, लगभग हर एक दो किलोमीटर पर एक स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। तब मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं कभी टाइम पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब मैं कर भी क्या सकता था। मैं उस रास्ते पर काफी आगे आ चुका था, इसलिए मैंने चलते ही रहना ठीक समझा। कुछ देर बाद मुझे ट्रक चलाते हुए महसूस होने लगा कि ट्रक को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक के पीछे की तरफ ज्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो, पर आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा था, जैसे कि उसके पीछे बहुत ही भारी सामान लोड किया हुआ हो। अब बार बार मुझे इसी चीज का एहसास होने लगा था कि ट्रक को अब चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ट्रक को रोक कर चेक करने के लिए सोचा। लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा उबर खाबड़ और देखने में भी काफी वीरान लग रहा था। खैर, मुझे इतना डर तो नहीं लगता था, लेकिन मैं भी हूँ तो एक इंसान ही। तभी मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए तो ट्रक को रोक कर मैं इसको चेक कर लूंगा और उस इंसान से पूछ भी लूंगा कि ये रास्ता इतना सूखा और वीरान क्यों है और मुझको ये मुंबई कब तक पहुंचा देगा। बस मेरे ये सोचने भर की ही देरी थी, और रास्ते में मुझे आगे एक औरत सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेते हुए चलती हुई दिखी।